देखें, ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है, सोशल मीडिया पोस्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल क्या है कि तीन शेप्स, चार तरह की शेप्स हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पोस्ट है, ये आज हम डिजाइन करेंगे। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं करेंगे, सिंपल सिर्फ ये वाली सोशल मीडिया पोस्ट हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ दो शेप्स ली गई हैं यहाँ पे, तीन सर्कल हैं, ठीक है, और एक ये शेप है रेक्टेंगल की, और बाकी सारा टेक्स्ट है। बाकी ये सर्कल के अंदर पिक्चर कैसे लगी हुई है, ये आज हम डिस्कस करेंगे, ये सीखेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क, कि ये पिक्चर को शेप के अंदर कैसे क्लिप किया हमने, ठीक है। इसको हम फोटोशॉप पे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो ये आज हम पहले, बल्कि स्टार्ट ही हम यहीं से लेंगे कि शेप्स को, बल्कि पिक्चर को हम कैसे क्लिपिंग मास्क करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल फोटोशॉप ओपन करता हूँ। ये भी सोशल मीडिया पोस्टर है, तो इसका भी साइज 1080 ही रहेगा, ठीक है। कोई बस इसमें फर्क नहीं है, सिंपल उसने जस्ट एक बैकग्राउंड पे एक साइज लिया हुआ है, और सिंपल उसने जो है सोशल मीडिया पोस्ट लगाई, लेकिन हमने सिर्फ इतना ही डिजाइन करना है इसमें, ठीक है। क्या करेंगे, न्यू फाइल लेंगे, फाइल्स पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने साइजेस दिए हुए हैं, 1080, 1080 ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट पिक्सल्स, 300 रेजोल्यूशन पिक्सल्स इन इंचेस, आरजीबी कलर मोड, सेम चीज़ें वैसे ही रहेंगी हमारी, ठीक है। सिंपल क्रिएट करेंगे। अब हमने क्या करना है, पिक्चर चाहिए हमें, तो हम क्रोम ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ से मैं पिक्चर ले लेता हूँ। IT स्टूडेंट्स, ठीक है, IT डेवलपर स्टूडेंट्स इमेजेस, ठीक है। ये उससे रिलेटेड इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये एक इमेज है ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। कौन सी लेनी है इमेज, कोई और देख लेते हैं इमेज। ये कौन बोल रहा है, ठीक है यार, ये ले लेते हैं, एक सेकेंड, मुझे इमेज सिर्फ देखने तो पहले। ठीक है, ये मैंने एक इमेज ले ली है, ठीक है। बल्कि यार ये भी इसका ना साइड पे ब्लैक आ रहा है, ठीक है। ग्रिड्स को क्या बोलते हैं इसको, ये ले लेते हैं, इसका लोड हो जाए, एक सेकेंड, ठीक है। इसको पे मैं राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेजेस एज करूंगा, और इसको मैं किधर डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज मैंने सेव कर ली, होगी सेव, ठीक है। मैं वापस आऊंगा डेस्कटॉप पे, बल्कि एक सेकेंड, ये इमेज डाउनलोड नहीं हुई सही, बताता हूँ मैं कौन सी ठीक है। ये भी वेब है, ये ठीक रहेगी, ठीक है। ये मैंने
इमेज सेव कर ली, सिंपल मैं ड्रैग करूंगा और फोटोशॉप पे ड्रॉप किया इसको, इमेज आ गई। ठीक है, इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ, तकरीबन इतना अभी के लिए। यहाँ से हम ओके करेंगे, यहाँ से लूंगा मैं न्यू लेयर, शेप्स पे आऊंगा, होल्ड करके रखूंगा और यहाँ से मैं सर्कल टूल सेलेक्ट कर लूँ। सर्कल टूल सेलेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, सिंपल मैं इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करूंगा, इतना काफी है। ठीक है, जाहिर सी बात है वाइट कलर है तो इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है सर्कल। ठीक है, हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल मैं मूव टूल सेलेक्ट करूंगा, इस मुजम्मिल ये दरवाजा बंद कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। सर्कल ले लिया, वापस मैं इस इमेज वाली लेयर पे आऊंगा, इसको मूव करके इस सर्कल के ऊपर ले आऊंगा। जाहिर सी बात है पिक्चर वाली लेयर सर्कल वाली लेयर से नीचे है, तो मैं पहले इमेज वाली लेयर को ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, इसका मैं साइज कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, कंट्रोल टी करके। ठीक है, यहाँ से आप करें ओके। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी इमेज है इस रेड सर्कल के अंदर चले जाए। ठीक है, डिपेंड है कि आपने रेड कलर लिया हुआ है, वाइट लिया हुआ है, कोई भी हो। ठीक है, मैं सिंपल इस इमेज वाली लेयर पे करूंगा राइट क्लिक और सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये इमेज चलेगी। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल टी करके, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ओके कर दें। अब ये लेयर एक्टिव है, कंट्रोल दबा के नीचे वाली लेयर को भी सिलेक्ट कर लें, दोनों लेयर एक्टिव हो गई। राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है मर्ज लेयर्स, इस पे क्लिक कर दें, ये लेयर्स आपस में मर्ज हो गई हैं। ठीक है, अगर मर्ज ना होती मिसाल के तौर पे, तो जाहिर सी बात है पहले इमेज मूव होनी थी फिर सर्कल मूव होता हमारा। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया था। कंट्रोल दबा के दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया और मर्ज लेयर्स कर दिया, हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, वापस आते हैं इस पोस्ट पे। अब हमें एक ग्रे कलर का भरा सा सर्कल चाहिए, ऐसे ही है, पहले हम सर्कल ले लेते हैं। वापस मैं आता हूँ, इसको मैं न्यू टैब पे ले जाता हूँ ताकि ये जो हमारा काम है कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, बाद में हम इसको ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, होगी डिलीट। वापस मैं न्यू लेयर लूंगा, सर्कल टूल ऑलरेडी सिलेक्ट है, और सॉरी इसको एक्टिव भी करना था, हो गया एक्टिव। और इसको मैं शिफ्ट दबा के इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लूंगा, हो गया। अब मैंने क्या करना है, कलर सेलेक्ट करने हैं, कलर्स पे आऊंगा और ये ग्रे कलर मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, हो गया ग्रे कलर सेलेक्ट। ठीक है, मूव टूल सेलेक्ट करूंगा और इसको इस तरीके से मूव कर लूंगा मैं अपनी मर्जी से, आप इसको जैसे मर्जी एडजस्ट कर लें। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल टी करके मैंने उसको एडजस्ट किया है। अब एक और सर्कल चाहिए येलो कलर में, ऐसे ही है, तो दोबारा से आप न्यू लेयर ले लें और सर्कल टूल सेलेक्ट करें, हो गया सेलेक्ट, और इसी के ऊपर चाहे आप एक और सर्कल ड्रॉ कर लें शिफ्ट के साथ। ठीक है, कलर्स में कर दें येलो जी। अच्छा, मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शिफ्ट दबा के क्यों। ठीक है, एक सेकेंड, ये इसको मैं एडजस्ट कर लूँ पहले। ठीक
अच्छा, आप सर्कल दबा के क्यों, मैं शिफ्ट दबा के क्यों कह रहा हूँ कि सर्कल ड्रॉ करने, अगर आप बगैर सर्कल शिफ्ट दबाए सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये देखें इस तरीके से शेप आ जाएगी, यानी कि प्रॉपर सर्कल नहीं आएगा, ठीक है, ओवल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सर्कल चाह रहे हैं तो शिफ्ट दबा के इस तरीके से, अगर आप चाहे जितना मर्जी एरो अपना ऊपर नीचे करते जाएं, आपका सर्कल नहीं खराब होगा, ठीक है। प्रॉपर उसने सर्कल दिया हमें, ठीक है। वापस मैं मूव टूल सेलेक्ट करूंगा, आप दोबारा इमेज देख लेते हैं। अब क्या है, अब हमें एक रेक्टेंगल शेप चाहिए, ऐसे ही है। तो वापस मैं फोटोशॉप पे वापस आऊंगा, यहाँ से लूंगा न्यू लेयर, बल्कि ये ऑलरेडी हमने ली हुई थी लेयर, और शेप्स पे आऊंगा, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगा, और इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कलर क्या था इसमें, पर्पल था आई थिंक, यही था, ठीक है। मूव टूल सेलेक्ट करें और इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये पिछले सर्कल को अभी हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये इस सर्कल की जो लेयर थी ये ऊपर थी, ठीक है, बल्कि ये जो सबसे नीचे जो सर्कल है ये तो सबसे पीछे है, ठीक है। अब मैंने इस शेप को इस सर्कल से पीछे लेके जाना है, ऐसे ही है। अगर आप दोबारा इस पिक्चर पे देखें, बल्कि सॉरी, ये दोनों लेयर्स पीछे हैं इस शेप से, ठीक है। इस शेप के ऊपर ये सर्कल है, इमेज वाली सर्कल है, ठीक है। तो मैं वापस फोटोशॉप पे आऊंगा, इस टैब पे हमने रखी थी शेप, तो इसको मैं वापस इस टैब पे ले आता हूँ। जाहिर सी बात है वो पीछे है, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, वो छुप गई थी लेयर, ठीक है। कंट्रोल टी करें और इसका साइज आप बड़ा कर लें, वो इमेज पिक्सेलेट हो गई है क्योंकि वो डाउनलोड नहीं सही हुई, तो इसलिए वो थोड़ी सी ब्लर कर रही है, ठीक है। उसको आप एडजस्ट कर लें, जरूरी नहीं है यही इमेज लेनी है आपने, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सिंपल जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लोगो इतना काम हो गया हमारा कि रहते हैं अभी भी, ठीक कंट्रोल टी करके और साइज उसको एडजस्ट कर लें। चलो बात ही खत्म कर दी मैंने, ठीक है, ठीक है। ये चेक कर लें आप लोगों को, शायद मुझे मेरे देखने में गलती हो रही है, इमेज वाली लेयर से पीछे है ना ये शेप, क्या हुआ यार, वो ड्रॉ होने में होगी होगी गलती, उसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं एक सेकेंड। या एक और तरीका है मेरे पास, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पर्पल वाला सर्कल क्या, ओ शेप है, ठीक जाहिर सी बात है, इस पे मैं अगर फिल कर दूं तो वो सेंटर पे नहीं आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ कि एडजस्ट हो जाए किसी तरह, नहीं, वो होगा ही नहीं वैसे, ठीक अब ओके, ठीक है, हो गया।
अब हमें क्या चाहिए, लोगो चाहिए। तो लोगो, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले बताई नहीं थी, ठीक है, वो आपको मैं इंशाल्लाह एंड पे जाके बता देता हूँ चीज़, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी लोगो पड़ा हुआ है बिलाई का, तो मैं सिंपल वही बिलाई का लोगो ले लेता हूँ, ठीक है। जिस पीसी पे आऊँगा, और जाहिर सी बात है मैंने जहाँ पे वो लोगो सेव किया हुआ है, आप लोगों ने भी देख लेना, आप लोगों को बिलाई का लोगो मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से उनकी, ठीक है। फेसबुक पे भी बिलाई का लोगो पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी वो लोगो दे देते हैं वैसे खुद ही। वो भी तो खाओ जी, वो इंशाल्लाह इस बैच के एंड पे वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ये वाइट कलर है, वो वाइट कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है। वो लोगो कैसे ट्रेस होंगे, लोगो कैसे क्रिएट होंगे, वो चीज़ें मैं आपको एंड पे सिखाऊंगा। उसकी वजह ये है कि वो एक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो एडवांस लेवल पे आ जाता है, और टूल्स भी और इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो वाला सेशन मैंने एंड पे रखा हुआ है लोगोस का, ठीक है। उसके लिए वैसे इलस्ट्रेटर ज़्यादा यूज़ होता है, फोटोशॉप भी आप कर सकते हैं उसके लिए यूज़, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, ये बैकग्राउंड रिमूव के साथ लोगो पड़ा हुआ है बिलाई का, ठीक है। ये मैं ले आया, सेशन के एंड से मुराद यानी कि जब आपके स्क्रीन से रिलेटेड हर चीज़ आप डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, और भी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये लोगोज वाला सेशन कंप्लीट करेंगे जिसमें इलस्ट्रेटर भी होगा, ठीक है। ठीक है, लोगो लग गया। अब जाहिर सी बात है हमारा सिंपल टेक्स्ट है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, इतना तो आप लोगों को आता है, ठीक है। क्या चाहिए हमें, न्यू लेयर चाहिए, टी दबाएंगे टेक्स्ट टूल आ जाएगा, और सिंपल जस्ट टेक्स्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे आप लिखें डिजिटल, मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख लिया, मार्केटिंग एक्सपर्ट को कर लें सिलेक्ट, हो गए। इसमें कलर कर दें रेड, रेड अच्छा नहीं लग रहा तो आप येलो कर दें, कुछ और करना चाहते हैं कुछ और कर लें, लाइट कलर करिए कीजिएगा बस, ठीक है, हो गया। इसको बोल्ड ही रहने देते हैं हम, और साइज कितना है इसका, 18 है, 16 कर लेते हैं, सिर्फ इसका नहीं सबका ही करना है, ठीक है, 16 कर लेते हैं हम, हो गया साइज, ठीक है। विद बाय मूव टू सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको इधर एडजस्ट कर ले, हो गया। कंट्रोल ए, हाँ जी, आगे ही लिखा हुआ है, वही हेल्प यू टू ग्रो योर ऑन बिजनेस, ठीक है। वही हेल्प यू टू ग्रो योर ऑन बिजनेस, ठीक है। इस लेयर की कॉपी ले लेंगे हम, कंट्रोल जे करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। कंट्रोल जे किया, इस लेयर की आगे कॉपी, कंट्रोल डबल टैप करें, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या क्या लिखना था हमने, एक सेकेंड, वी हेल्प यू टू ग्रो योर ऑन बिजनेस, ठीक है। कंट्रोल ए करें, ऑल सेलेक्ट, कलर्स का कर दें हम यही, ठीक है।
वाइट ही कर दें, ये ठीक है। और इसका इसके अलाइनमेंट हम ठीक कर देते हैं, एक सेकेंड, और इसका साइज छोटा कर देते हैं, हम साइज कर देते हैं 9, ठीक है, ठीक है ये साइज, बल्कि इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं। अभी भी भरा है साइज देखने में, वो मैं कर देता हूँ। कलर क्या करना है? वाइट ठीक रहेगा कलर, ठीक है, ओके कर दें, इसको एडजस्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है, हो गया यहाँ तक, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वापस आते हैं इस, अब यहाँ पे एक बटन है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ से लेंगे न्यू लेयर, शेप्स पे आएंगे, यही रेक्टेंगल शेप लेंगे और सिंपल इसको इस तरीके से ड्रैग करके ड्रॉ कर लिया। कलर क्या था इसमें? यही था, स्क्रॉल डाउन करें, ये उसके कॉर्नर्स आ गए, कितने चाहते हैं कॉर्नर्स? 50 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं साइड पे, यहीं पे, ठीक है। हर वर्जन इसका थोड़ा मुख्तलिफ आता है इंटरफेस, तो 21 वर्जन में यहाँ पे आती हैं उसके प्रॉपर्टीज शेप्स की, ठीक है। यहाँ से मैंने उसके कॉर्नर्स कर दिए 30, वो 34 हो गए, मैंने 30 लिखना था, एंटर करें, ठीक है, हो गए कॉर्नर्स इसके राउंडेड। यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करें और बस इसको एडजस्ट करके इसी लेयर की ले लें कॉपी, कंट्रोल जे करके, हाँ ऑल्ट करके ड्रैग करें उसको अपनी मर्जी से, ठीक है। हाँ क्या हुआ? उसको कर लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है, ये ऑल्ट प्रेस करके ले आया इसको। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? गेट स्टार्टेड, ठीक है। इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं, इम्पैक्ट, और बस कलर वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको ओके करें, इस लेयर को ऊपर ले आए, एक सेकेंड, ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं यार, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं, वो हो जाएगा, वो आप अंदाजा ही लगाना होता है वैसे। अब ये सेंटर बिल्कुल मैंने अंदाजे लगाए बगैर इसको सेट कर दिया ऐसे, और बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे वो लिंक दिया हुआ है WWE, हम रहने देते हैं, और सिंपल मोबाइल फोन का बटन है और डिटेल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो काम किया हुआ था और जो मुझे असाइनमेंट सेंड की थी, अक्सर स्टूडेंट्स ने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया हुआ था उन इमेज लोगोस का, ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो सिखा देता हूँ कि लोगोस कैसे रिमूव करने हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा फोन आइकन PNG, ठीक है, और आप आए इमेजेस पे, आपको लेट्स सपोज बैकग्राउंड रिमूव के साथ इमेज नहीं मिलती, ठीक है, जैसे मैं अगर ये आइकन सेलेक्ट करता हूँ, ये इसका बैकग्राउंड साथ आ रहा है ऐसा ही है, राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, इमेज हमारी सेव हो गई, बैकग्राउंड इसका भी हमने रिमूव करना है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो ओपन करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है, सिंपल आपको ये आइकन ही चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसको अब अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप पे लेके आएंगे तो इसका बैकग्राउंड भी आएगा साथ, ऐसे ही है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है हमने। तो एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है, कर ठीक सकते हैं, लेकिन वो भूल जाएगा बहुत जल्दी।
19 में थोड़ा सा देखना पड़ता है, वो 21 का आसान है, वन बटन से, वन क्लिक से हो जाता है वो। मैं आपको बल्कि इस पे करके दिखा देता हूँ, 21 वर्जन पे भी। ठीक है, ये वेबसाइट है बैकग्राउंड रिमूविंग की। ठीक है, यहाँ से आप इजीली किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और 100% बैकग्राउंड रिमूव करके आपको वो देगा। ठीक है, नहीं ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर को अपलोड करें, बैकग्राउंड रिमूवर नहीं है, ये भी है, हो सकती है लेकिन मुझे नहीं पता इस चीज का। हाँ जी, रिमूव भी जी। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करें, ये डाउनलोड्स पे चली गई है, हमारी इमेज डाउनलोड्स पे है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, हो गया, और आप इसको सिंपल फोटोशॉप पे ले आए। ठीक है, एक तो ये तरीका है बैकग्राउंड रिमूव करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप फोटोशॉप पे कैसे रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है, उसके लिए मुझे एक न्यू फाइल लेनी पड़ेगी। ओपन करूँगा फाइल, और ये इमेज है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है हमने। ठीक है, इस लेयर को आई थिंक ओपन करना था, या जो भी, बहरहाल देखें। यहीं पे प्रॉपर्टीज पे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे क्विक एक्शन लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा रिमूव बैकग्राउंड, उसको लेयर, लेयर हमारी लॉक थी, उसको अनलॉक किया तो यहाँ पे शो हो गया मुझे रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। ठीक है, सिर्फ ये अंदर वाला जो हिस्सा इसका नहीं हुआ, बाकी हो गया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड रिमूव के साथ यहाँ पे लेके आता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन वो अंदर से नहीं हुआ, इसलिए मुझे अंदर से भी इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो रिमूव डॉट बी जी की जो वेबसाइट मैंने बताई है, वहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, किसी भी इमेज का भी जी, किसी भी इमेज का भी बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। ठीक है, आ गया समझ? आपका क्या रह गया था? आइकन रह गया था हमारा, आइकन लेके आना है, ये आइकन ले आते हैं फोटोशॉप पे। ठीक है, और सिंपल जो है इसका हम कर देते हैं साइज कम, ठीक है, इतना इनफ रहेगा। और जस्ट सिंपल जो है आपने आगे फोन नंबर लिख देना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, कलर्स का मैं कर देता हूँ वाइट, ब्लैक, और ओके। ठीक जी, ठीक है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से साइज भी छोटा कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। ठीक नीचे यहाँ तक जाहिर सी बात है, वो टेक्स्ट तो हमने शेप्स छोटी बनाई है उस एतबार से तो, लेकिन अभी खैर है, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, अब आप लोगों ने खुद करना डिजाइन। ठीक है, तो